गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब दिस विटामिन सी सीरम। ये मैंने परचेज किया था दराज से और इसको मैंने काफ़ी टाइम यूज़ करने के बाद सोचा कि मैं इसका रिव्यू दूँ। तो ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है और ये स्किन केयर की प्रोडक्ट है और ये फाइन लाइन रिड्यूस करने के लिए, स्किन ब्राइटनेस के लिए काम आता है। तो चलें इसको ओपन करते हैं। ओपन करने से पहले प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर, प्रेस द बेल आइकन। ये कुछ इस तरह से है, इस तरह से इसकी पैकिंग है और ये तकरीबन आधे से ज़्यादा खाली हो चुका है क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये खाली हो चुका है क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ, काफ़ी ज़्यादा इसको मैं यूज़ कर चुकी हूँ। अगर हम इसके टेक्स्चर की बात करें तो ये कुछ इस तरह के टेक्स्चर में है, ये देखें आप इस तरह से। इसका कोई बिल्कुल लिक्विड टाइप टेक्स्चर नहीं है। अगर हम इसका वन ड्रॉप भी लें तो ये कुछ इस तरह से काम करता है और इसको मैंने आधे से ज़्यादा यूज़ किया है बट मुझे इसके कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं दिखे क्योंकि मेरी आइज़ के नीचे काफ़ी ज़्यादा फाइन लाइंस थी जो कि कम नहीं हुई बिल्कुल भी। ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी रिज़ल्ट नहीं मिला, बट थोड़ा बहुत मिला है, बट ये नहीं कह सकते कि फाइन लाइन ख़त्म हो गई और मेरा कलर फेयर हो गया और मेरे स्पॉट्स ख़त्म हो गए। नहीं गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है सीरम में। हाँ, क्या पता आप 2 से 3 बॉटल यूज़ करें उसके बाद आपको कोई रिज़ल्ट मिले। हाँ, इसके अंदर ये स्किन को प्रोटेक्शन देता है क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी है और विटामिन सी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इंसान की स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हम ऐसी बहुत सारी क्रीम्स यूज़ कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन में से विटामिन सी की मिकदार बहुत कम हो जाती है। तो गाइस, विटामिन सी की मिकदार को पूरा करने के लिए ये सीरम बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ इसके कोई मुझे ख़ास बेनिफिट्स नहीं मिले और क्या पता कि ये किसी और की स्किन पर ज़्यादा अच्छा वर्क करता हो, मेरी स्किन को ये सूट ना कर रहा हो, शायद मुझे इस वजह से इसके रिव्यू अच्छे नहीं मिले। तो गाइज़, जो मुझे ऑनेस्ट रिव्यू थे वो मैंने आप लोग के साथ शेयर किए इस विटामिन सी सीरम के। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था दराज ऐप से, वहाँ से मुझे पड़ा ये 750 का विद डिलीवरी चार्जेस और ये बस इसके अच्छे हैं। ये नहीं कह सकते कि ये बहुत बुरा है बट जिस तरह से इसके बेनिफिट्स लिखे हुए हैं उस तरह से ये वर्क नहीं कर रहा, बहुत स्लो वर्क कर रहा है ये। और ओके गाइस, बस यही था इसके बारे में। ओके, खुदा हाफिज़।